गुड मॉर्निंग बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा है बच्चों, सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th का। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और बच्चों उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो है इस एक्सरसाइज में कौन सा कंसेप्ट लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी के पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी के पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी की क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.4 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूं, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा मेथड है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ये है क्या, फिर बताऊंगा ये होता कैसे है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों हमारे पास क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो देखिए इस फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी बच्चों क्या होता है हमारे पास, यदि हम यहाँ पे लिख के चले तो बच्चों जैसे 4x² + 4x + 1 = 0, इस तरीके से हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसी के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, और देखिए हमने जो है आइडेंटिटी पढ़ रखी है, दो आइडेंटिटी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² इस तरीके से ये हमारा हो गया। और दूसरी एक इक्वेशन है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab + b². ठीक है, ये बच्चों दो आइडेंटिटी है। अब बच्चों हम इस बारे ए और बी की वैल्यू बदल जाती है, तो चलिए हम वैल्यू बदलते हैं। तो सपोज करिए हमने यहां पे लिख दिया ए की जगह एक्स और बच्चों बी की जगह वन लिख के इसका स्क्वायर किया, तो बच्चों देखिए क्या आ गया x² + 2x + 1, देखिए इस तरीके से आ गया। सिमिलरली अगर माइनस वाले में रखें तो बच्चों मान लीजिए हमने लिख दिया x - 2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये आ गया बच्चों x² - 4x + 4, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों जरा इधर के एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखिए कि ये देखिए हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ये देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इधर वाला, और बच्चों ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है। इधर देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कंप्लीट स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां तो बच्चों स्क्वायर हमको दिया हुआ था और बच्चों हमने एक्सपेंशन कर दिया फार्मूला लगा करके। ठीक है, अब बच्चों हमको जो है इक्वेशंस इस फॉर्म में दी होती है तो हमको इसका स्क्वायर में लिखना होगा और बच्चों फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो बच्चों यही जो है हम आपको आज समझाएंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में दी हुई है तो हम उसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। और देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, यहां पर बच्चों इन दोनों आइडेंटिटीज की प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और फिर हमारा जो है आंसर खटाक से निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपकी बुक का एक एग्जांपल लेता हूं और उसी को सॉल्व करके आपको बताता हूं कि हम ये काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके लिए इजी हो। ठीक, यही ले लेते हैं 9x² - 15x + 6 = 0। देखिए इस तरीके से हमारा जो है एक लिखा हुआ है इक्वेशन और बच्चों इस इक्वेशन को हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, हम यूज करेंगे बच्चों, देखिए यहां पर माइनस है
तो हम माइनस वाला ये वाला यूज करेंगे और देखिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे जो इसका स्क्वायर वाला डिग्री टू वाला टर्म होगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, बात नंबर वन। फिर यहां जो भी साइन है उस साइन को लिख दीजिए बच्चों, जैसे सपोज करिए माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस ऐसे लिख दीजिए, और बच्चों उसके बाद यहां पर एक टू लिख दीजिए। ठीक है, ये जो टू है वो आइडेंटिटी वाला टू है, बस समझ गया, ये जो टू है वो आइडेंटिटी वाला टू है। अब बच्चों देखिए उसके बाद बच्चों एक इनटू का साइन बनाइए और जो इसके अंदर आ रहा है वो लिख दीजिए 3x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद करना क्या है। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है वो चीज आप नोट करिए। देखिए यहां बीच में एक टर्म है, उस टर्म को लिखिए ऐसे जैसे यहां 15x है, 15x डिवाइडेड बाई बच्चों इस पूरे से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 × 3x, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। अब जो कट रहा है उसको काट पीट दीजिए, तो देखिए x से x कटा और 3 से कटा ये तो आ गया 5, तो बच्चों ये आ गया हमारा 5/2। ठीक है, 5/2 आ गया। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले जो हमारा पहला टर्म है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, 9 का होता है √3x, इसका स्क्वायर लिखा। फिर बच्चों ये फॉर्मूला वाला 2 लिख देंगे और यहां जो भी साइन है वो हम लगा देंगे, 2 आ गया। और बच्चों फिर हम इसको यहां पे ऐसे लिख देंगे, अब ये कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो बच्चों यहां पे ऐसे आ गया और ये आ गया 5/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इस 5/2 को बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 2 से 2 कटेगा और 3 × 5 तो 15 ही आ गया ओवरऑल। ठीक है, 15 आ गया ओवरऑल, बस। अब देखिए यहां तक ये हमारा मिडिल टर्म ये वाला बन गया। अब बच्चों हमको ये वाला टर्म बनाना है, तो देखिए बच्चों यहां लिखा है 2ab। ठीक है, तो बच्चों 2 ये हो गया, a ये हो गया और ये हो गया बच्चों b। ठीक है, ये यहां कुछ भी आए वो b है आपका। ठीक है, प्लस बच्चों क्या होता है इसके बाद b स्क्वायर, तो बच्चों हम क्या करेंगे प्लस b स्क्वायर में b ये हमारा, तो 5/2 का स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। बच्चों ये हमने ऐड किया है, ये इसमें था नहीं, ये हमने ऐड किया है, तो बच्चों जितना हमने ऐड किया है उतना ही हम यहां से माइनस कर देते हैं, सारी कहानी हो गई बराबर। बच्चों लास्ट वाला टर्म जो कुछ भी है उसको लिख दिया ऐसे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, पहले फर्स्ट टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, ठीक है, फिर बच्चों 2 लिखा और इसके अंदर का पार्ट यहां लिख दिया, फिर बच्चों इस पूरे से इसको डिवाइड किया, जो आया उसको इनटू में यहां लिख दिया। यहां लिखने के बाद हम चेक कर लेंगे कि इसको सॉल्व करने पे हमारा यही आ रहा है, तो हाँ यही आ रहा है। फिर बच्चों जो लास्ट वाला टर्म है ये बी का काम करता है, तो बच्चों अगला टर्म है बी स्क्वायर, तो इस बी को उठा करके स्क्वायर कर देंगे। फिर बच्चों हमने जितना जोड़ा है उतना ही घटा देंगे, प्लस इसको ऐसे लिख देंगे, हमारा काम हो गया खत्म। अब देखिए बच्चों हम देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक के टर्म को, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के टर्म को जब हम देखेंगे तो बच्चों हमको ये दिखाई देगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, a है यहाँ पे 3x और b है बच्चों हमारा माइनस 5/2, या माइनस है रहेगा माइनस 5/2, और बच्चों उसका स्क्वायर हो गया, और बच्चों माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 = 0, देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये देखिए बच्चों आ गया हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम करते क्या हैं, बहुत सावधानी से देखिएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, ठीक है, 5/2 स्क्वायर माइनस ये देखिए आ रहा है 25/4 और प्लस 6 = 0। ठीक है, देख लीजिए। अब बच्चों यहां पे एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, माइनस बच्चों ये हो जाएगा 25, ठीक है, ये माइनस 25 है, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा प्लस 24/6, ये बच्चों माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे हम इसको माइनस लिख देते हैं, इधर प्लस लिख देते हैं, तो ऐसे हो गया ये। ठीक है, या चलिए हम इसको दूसरे हिसाब से कर ले, आपको कन्फ्यूजन ना हो कहीं पर भी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको जो है ऐसे लिखा, तो बच्चों हम क्या करते हैं 6 प्लस यहां कर देते हैं और ये माइनस हो गया,
बच्चों 25/4 बराबर 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां करेंगे इसको 24 - 25/4, ये एलसीएम ले लिया, ऐसे हो गया तो बच्चों हो जाएगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1/4 = 0। बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर = 1/4, ये आ गया। अब बच्चों इसको अंडर रूट लेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 5/2 = ±1/2। देखिए हमने क्या किया, कि हमने इसका अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट से हमारी दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस जो भी इधर होगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हो गया। अब देखिए बच्चों हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी, एक बार हम लिखेंगे 3x - 5/2 = 1/2 और दूसरी बार हम लिखेंगे 3x - 5/2 = -1/2, ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 3x = ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3 और x की वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई 1। दूसरी वैल्यू बच्चों हम यहां से निकालने हैं, तो देखिए आ रही है 3x = ठीक है, ये आएगा 4/2 यानी कि 2, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ये बच्चों हमारे पास इसके दो आंसर आ गए। और बच्चों देखिए यहां पर हमने जो है स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख दिया, कंप्लीट कर दिया, जिसकी वैल्यू यहां पे आई। बच्चों इसी को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको इस ये ऐसे ही सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में वो इसी मेथड से होंगे, वैल्यू सबकी अलग अलग होगी, आंसर सबका अलग अलग आएगा। अब बच्चों चलिए हम यहां पर एक जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा, एक हमारा जनरल इक्वेशन है किसका बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल इक्वेशन होता है, उसी के ऊपर हम ये स्क्वायरिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है बच्चों। देखिए यहां से बड़ी मजेदार चीज निकल के आने वाली है, उस चीज को आप देख लीजिए, ठीक। देखिए बच्चों क्या हुआ, हमारा जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बच्चों इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि हम इसमें जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास देखिए इस तरीके से ये आ जाता है, ए से हमने पूरी इसको डिवाइड कर दिया। अब बच्चों यही कंसेप्ट हम यहां लगाने जा रहे हैं, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सबसे पहले लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहां मैंने कहा 2 लिखेंगे, फिर बच्चों x लिखेंगे, देखिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब बच्चों यहां पे कंसेप्ट लगाएंगे, तो बच्चों आएगा b अपॉन a x अपॉन 2 × x, इस तरीके से लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों x से x कट गया और ये आ गया b अपॉन 2a, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या होगा, ये बच्चों आ गया b अपॉन 2a, हमने यहां ऐसे लिख दिया, जो आएगा इसको n2 में लिख देंगे। बस फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है, फिर इसका स्क्वायर करके यहां जोड़ देते हैं, तो b बाई 2a का स्क्वायर, और जितना जोड़ा उतना ही घटा देंगे, तो b बाई 2a का स्क्वायर घटा दिया और प्लस c बाई a ऐसे लिख करके जीरो कर दिया। जो काम अभी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में किया था वही काम यहां पे किया। फिर से सुन लीजिए क्या किया कि एक्स स्क्वायर में लिखा, फिर लिखा 2 × x, ये हमें लिखना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर बच्चों हमने क्या किया, जो कुछ भी यहां है उसको 2x से यानी कि इस फर्स्ट टू टर्म से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हमने यहां पे इंटू लिख दिया। अब बच्चों फिर इसका स्क्वायर करके यहां जोड़ देंगे, जो कुछ भी है या कुछ भी हो ऐसे जोड़ देंगे, फिर उतना ही घटा देंगे और प्लस जो यहां लिखा था उसको लिख करके छोड़ देंगे, ये हो गया। फिर बच्चों देखिए इतना हिस्सा जो होता है ये हमारी आइडेंटिटी, या तो ये बनेगी या ये बनेगी, देखना पड़ेगा, अगर माइनस है तो रियली बनेगी और यदि प्लस है तो ये बनेगी, यहां पे प्लस है। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां आ जाता है एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है बच्चों, और यहां पे आया माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर,
प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, बहुत आराम से आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या होता है, हम इसको इधर लेके जाते हैं, तो देखिए क्या हो गया, एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम यहां पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये आ गया बच्चों एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर, ऐसे आ गया। और बच्चों यहां पर देखिए, ये अब हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मतलब इधर स्क्वायर है इधर समथिंग है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे इसका कर देंगे अंडर रूट, तो बच्चों हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे आएगा, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इस तरीके से। अब बच्चों देखिए हम आपके सामने एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उनका नाम था, ये उनके नाम से जाना था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये हुआ बच्चों एक बार आएगा एक्स, ठीक है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये जगह एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट डिवाइडेड बाई टू ए। देख लीजिए यहां पे ऐसे आ रहा है, इसको हम इधर ले गए, इसका अंडर रूट करेंगे तो इस तरीके से हो गया। बच्चों देखिए क्या होगा, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट डिवाइडेड बाई टू ए एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, हमको जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होंगे वो इस फॉर्म में दिए होंगे, और बच्चों यदि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो बच्चों वो यहां से इस तरीके से आ जाएगा, इसमें ए बी सी की कोई भी वैल्यू दी हुई है वो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे तो बच्चों हमारा एक्स की वैल्यू निकल आएगी। और बच्चों इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन या फिर जो फार्मूला आया है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो बच्चों ये हमारा आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये फार्मूला हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है जो हर तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारा अप्लाई होता है, एंड वी कैन फाइंड, यहां पे नोट कर लीजिए, वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले से जो है हम जो है किसी भी तरीके का हमारे पास ये ए और बी और सी की जो वैल्यू हो उससे हम निकाल सकते हैं रूट्स ऑफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, क्योंकि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, उन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया था इसी तरीके से बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस मेथड पे, इस फार्मूले पे और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के जो है कंसेप्ट पे ये पूरी एक्सरसाइज है। तो बच्चों चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.3 का। और बच्चों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं इसके दो पार्ट बना रहा हूं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में बच्चों जो है मैं जो है तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दूंगा, और बाकी जो है आपको जो है अगले पार्ट टू में 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट सेकंड में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो की लेंथ कम रहेगी, आप दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, दोनों वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
अब चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट द बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहां पर देखिए रखा है इफ दे एग्जिस्ट, इसका भी एक अपना मीनिंग है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि क्या मीनिंग है, मैंने अभी कंसेप्ट में आपको नहीं बताया था। तो चलिए बच्चों हम पहला इक्वेशन लिखते हैं, ये चार जो है इक्वेशन हमको दी हुई है, पहला इक्वेशन हम लिखते हैं वो है बच्चों हमारा फर्स्ट नंबर, वो है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको करते हैं। तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा था कि पहले टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, तो बच्चों हो जाएगा रूट 2x का स्क्वायर, ऐसे हो गया। फिर बच्चों जो भी साइन है माइनस में ऐसे लिख लीजिए, फिर यहां लिखिए 2, फिर इंटू करिए और फिर यहां पे जो कुछ भी इसके अंदर है वो लिख दीजिए। अब बच्चों इसके बाद जो है हमें लिखना होगा कुछ और। तो बच्चों देखिए क्या है यहां पे, यहां पर जो कुछ भी है ये 7x है तो 7x लिख दिया, उसके नीचे ये पूरा का पूरा टर्म लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू रूट 2x, ऐसे आ गया। ठीक है, 2 इंटू रूट 2x बच्चों यहां से जो कटेगा काट देंगे तो यहां पर बच्चों आ जाएगा हमारा 7 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये जो कुछ भी आ रहा है इसको एज इट इज यहां लिख देंगे 7 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, और बच्चों ये हो गया। अब बच्चों ये हमारा हो गया 2ab, बच्चों यहां पर बनाएंगे प्लस और 7 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे एड, और माइनस 7 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और बच्चों जो कुछ भी यहां लिखा है उसको यहां से लिख करके 0 कर दिया। बस बच्चों इतना काम करना होता है, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम कहां से लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे ऐसे। ठीक है, माइनस बीस में आ गया। ठीक, यहां पे ऐसे करेंगे और बच्चों ये माइनस है बीच में। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर, यहां लिखा माइनस, ये हो गया 2, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया बी स्क्वायर। देखिए इस फॉर्म में दिख रहा है ए स्क्वायर 2 है ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, तो बच्चों ए माइनस बी की जगह लिखेंगे हम रूट 2x माइनस 7 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर ऐसे हुआ, और माइनस 7 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इस तरीके से ये हो गया, बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों हमको इसको करना है केवल और केवल सॉल्व। तो देखिए हम यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे 2 रूट 2 एक्स माइनस 7 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 49 डिवाइडेड बाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8। ठीक है, 2 रूट 2 हो जाएगा 8 और बच्चों ये हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए। अब बच्चों यहां पे एक काम करिए, प्लस वाला इधर लिखिए माइनस वाला इधर कर दीजिए, तो बच्चों इसको हम मिटाते हैं ऐसे और यहां पे लिखते हैं प्लस 3 और माइनस 49 बटे 8, ऐसे लिख लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हो जाएगा रूट 2 एक्स माइनस 7 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आएगा प्लस और ये आएगा 24 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0, ये आ गया। और बच्चों ये जगह रूट 2 एक्स माइनस 7 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 25 अपॉन 2 रूट 2, ये सॉरी 25 अपॉन 8, 25 अपॉन 8 इक्वल टू 0। ये देखिए इस तरीके से आ गया, पूरा एक एक स्टेप आप देख लीजिए, ना समझ में आया हो तो वीडियो को बैक कर लीजिए, ठीक है, फिर देख लीजिए, और ना समझ में आया तो वीडियो को और बैक करके पहले कंसेप्ट समझ लीजिए फिर लगाइए। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सब मैं बिगाड़ रहा हूं, ठीक है, सब बिगाड़ रहा हूं मैं ऐसे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सहूलियत से कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है वो हमारी पूरी मेहनत पे जो है पानी फेर देती है। तो चलिए बच्चों अब यहां से करते हैं, इसको लिखते हैं रूट टू एक्स माइनस 7 बाई 2 रूट 2
का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 25/8। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम जो है इसका ले लेंगे जो है अंडर रूट। जब अंडर रूट लेंगे तो आएगा 2√2x − 7/√2 बराबर ±5/√2। देखिए 25 का अंडर रूट हो गया 5 और 8 का हो गया 2√2। देखिए इस तरह आ गया। अब बच्चों देखिए एक बार हम इसको प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो देखिए क्या हुआ। ठीक है, देखिए क्या हुआ, √2x − 7/√2 बराबर 5/√2। और बच्चों जाएगा √2x बराबर, ठीक है, 5/√2 +7/√2 ऐसे आ गया। ठीक है, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 12/√2 और एक्स रूट टू। ये आ गया बच्चों एक्स बराबर आ गया 7, ये आ गया 12/√2। ठीक है, यहां पे आएगा 12/√2 × √2। बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x/12/4 यानी x की एक वैल्यू आ गई 3। ठीक है, देखिए किस हिसाब से आई वो देख लीजिए आप। अब बच्चों हम इसको यहां नोट कर देते हैं तो इसकी एक वैल्यू आ गई बच्चों x = 3। ठीक, अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है अब हम लेते हैं यहां पे दूसरी वैल्यू जो यहां पे निकल के आई है वो बच्चों है हमारी माइनस। तो आ गया √2x − 7/√2 = −5/√2। ये आ गया बच्चों, हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x = 7/√2 − 5/√2 = जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2/√2। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, और ये आ गया बच्चों √2x। देखिए 2 से 2 कट गया और x बराबर आ गया 1/2। ये बच्चों इसकी दूसरी वैल्यू हो गई। तो बच्चों इस तरीके से हमारी दूसरी वैल्यू हो गई x = 1/2। और बच्चों ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखिए बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप सहूलियत से करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये है सेकंड क्वेश्चन, 2x² + x − 4 = 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जगह √2x² फिर बच्चों यहां जो साइन है वो लिख देंगे, फिर बच्चों सबसे पहले लिखेंगे 2 और बच्चों फिर उसके बाद जो भी इसके अंदर है वो लिखेंगे, दिया गया √2x फिर इनटू बच्चों और फिर हम यहां पे निकालेंगे टर्म। वो टर्म कैसे निकलेगा, वो बच्चों इसके से निकलेगा इस ये डिवाइडेड बाय ये का पूरा 2 √2 × x। ये आ गया इस तरीके से और बच्चों फिर इसके बाद काटेंगे तो देखिए ये हमारा आया 1/√2। ठीक है, यहां पर जो कुछ भी आए उसको यहां पे हम ऐसे लिख देंगे 2√2। ठीक, अब बच्चों जो है आगे देखिए क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि यहां जो आया है b के फॉर्म में उसका स्क्वायर करके यहां जोड़ देंगे तो 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, और जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे तो 1 − √2 का स्क्वायर − 4 = 0। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब बच्चों देखिए आप जरा ध्यान से देखिए यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये देखिए अगर हम इसको ए स्क्वायर माने प्लस 2, ये बच्चों ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी और बच्चों ये हो जाएगा बी स्क्वायर। देख रहे हैं ऐसे इस फॉर्म में इसको देखना पड़ेगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो गया बच्चों ए की जगह तो हो जाएगा हमारा √2x प्लस था तो बीच में प्लस और इधर आ जाएगा 1/√2 इस तरीके से और स्क्वायर फिर −1/√2। ठीक है,
वन अपॉन टू रूट टू इस तरीके से आएगा, और बच्चों माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो बच्चों देखिए क्या होगा, रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस, ठीक है, फोर प्लस वन अपॉन टू रूट टू। देखिए इस यहां पे स्क्वायर होगा, मैं भूल गया ऐसे, ठीक है। तो बच्चे जब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन एट, ठीक है। देखिए ये वाला था, यहां पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, वन अपॉन एट हो गया। बच्चे देखिए क्या हुआ, इधर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 33 अपॉन एट इस तरीके से, और बच्चों ये आ रहा है रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट टू का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों हम इसका लेंगे अंडर रूट। तो जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 33 रूट डिवाइडेड बाई टू रूट टू, ठीक है। अंडर एट का अंडर रूट ऐसे होगा और इसका अंडर रूट होगा नहीं तो ऐसे रहेगा, ठीक। अब देखिए बच्चों इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए बच्चों यहां से हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, उस x की वैल्यू को आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये आया हमारे पास इस तरीके से, तो हम यहां पे इसको ऐसे लिखते हैं रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 अपॉन टू रूट टू, ऐसे आ गया, ठीक। अब देखिए यहां पर जो है ये आया, तो यहां पे आ जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, रुकिए पहले हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यहां पे तो आ जाएगा रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट टू इज इक्वल टू रूट 33 अपॉन टू रूट टू, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। देखिए एक बार प्लस लिया अगली बार माइनस लेंगे, तो बच्चों देखिए क्या होगा, रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू प्लस 33 रूट और अपॉन टू रूट टू, ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया। बच्चों इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस वन प्लस रूट 33 अपॉन टू रूट टू, और ये आ गया रूट टू एक्स। तो बच्चों एक्स आ गया हमारा माइनस वन प्लस रूट 33 अपॉन, बच्चों ये आ जाएगा टू रूट टू इंटू रूट टू। तो बच्चों ये सॉल्व हो क्या आया, माइनस वन प्लस रूट 33 अपॉन फोर, और बच्चों ये हो गया एक्स का इसका जवाब, ठीक है। तो देखिए अब आपस क्या हो गया, एक्स की जो वैल्यू एक आई वाई माइनस वन प्लस रूट 33 अपॉन फोर आया। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से यहां से माइनस लेंगे, तो इसको मैं बिगाड़ रहा हूं, ठीक है, और फिर इसको हम करते हैं सॉल्व। ये इसको ये ऐसे ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब बच्चों यहां पे देखिए क्या लिखेंगे, रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट टू इज इक्वल टू माइनस 33 रूट डिवाइडेड बाई टू रूट टू, देखिए ऐसे हो गया। इसको हम इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू माइनस 33 रूट अपॉन टू रूट टू, ऐसे आ गया, और बच्चों आ गया माइनस वन माइनस 33 अपॉन टू रूट टू, ये आ गया रूट टू एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वही माइनस वन माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू रूट टू इंटू रूट टू, तो एक्स की जो वैल्यू आई वाई माइनस वन माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, ये बच्चों इसकी दूसरी वैल्यू होगी, 33 होगा, ये भी 33 होगा, ये हम, ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो ये इसका दूसरा आंसर होगा, वो होगा बच्चों माइनस वन माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है बच्चों, ऐसे होगा। इसमें जो है कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है,
और उससे सिर्फ बचा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब जो है हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट क्या है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट ये देखिए हमारा क्या है, यह है क्वेश्चन 4x2 ठीक है प्लस 4√3x और प्लस 3 = 0। देखिए इस तरीके से है, ये वाला थर्ड पार्ट है। चलिए इसमें भी कंसेप्ट लगाते हैं। तो पहले टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगा 2x² प्लस 2 × 2x, जो कुछ भी है यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर बच्चों ये वाला टर्म लिखेंगे 4√3x डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा निकाल लेंगे, 4x आ रहा है तो बच्चों ये देखिएगा कट और यहां बचा √3, खाली √3 बचेगा तो बच्चों हम यहाँ पे इंटू करके √3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, जो कुछ भी हमने यहां लिखा है उसका स्क्वायर करके ऐसे कर देंगे, माइनस इसका स्क्वायर करके ऐसे कर देंगे और बच्चों प्लस इसको ऐसे लिख देंगे, बस ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये है, ये यहां से लेकर के यहां तक ये हुआ, देखिए a² प्लस 2 × a × b प्लस b², यानी a प्लस b के फॉर्म में आ रहा है। तो बच्चों ये हो गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर, बराबर नहीं लिखेंगे, ये हो गया माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 3 = 0। देख लीजिए जरा ध्यान से। अब बच्चों देखिए इसके पास क्या आएगा, इसके बाद जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 = 0, ये गया कट तो बच्चे आया 2x प्लस √3 का स्क्वायर ऐसे बराबर 0। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या होगा, ये आएगा 2x प्लस √3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस √3/2। अब बच्चों दो वैल्यू निकल के आती है तो बच्चों x की दोनों वैल्यू ही यही होंगी जो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, x की दोनों वैल्यू हमारी यही सेम होंगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होंगी तो x की दो वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी, तो यहाँ पे x = आया माइनस √3/2 और दूसरी वैल्यू भी आ गई माइनस √3/2। ये इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, ये है बच्चों 2x² प्लस x और प्लस 4 = 0। देखिए इसमें भी ये करेंगे कि इसको लिखेंगे √2x² प्लस 2 × √2x ऐसे लिख देंगे। फिर बच्चों यहां लिखेंगे x ये वाला डिवाइडेड बाई 2 × √2x ऐसे लिखेंगे, x कट गया तो बच्चों आ जाएगा 1/√2√2x ऐसे आ गया, तो बच्चों हम यहां पे (1/√2) कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम जो है इसका स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर ऐसे हो गया, माइनस 1/√2 का स्क्वायर ऐसे हो गया और यहां लिखा था प्लस 4, ये देखिए हम इसको यहां पे ऐसे लिख देते हैं प्लस 4 = 0। ठीक है, ये देखिए आ गया इस तरीके से। अब बच्चों ये देखिए ये हमारे पास ऐसे है और बच्चों ये देखिए हमारे पास ऐसे है। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ a² प्लस 2 × a × b प्लस b² ऐसे हो गया, देखिए स्क्वायर लिखा है तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा √2x प्लस 1/√2 का स्क्वायर ऐसे, और बच्चों यहां पे क्या आ रहा है माइनस 1/√2 प्लस ये आ गया यहां पे इस तरीके से 4 = 0, देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, और बच्चों यहां पे इसका ये स्क्वायर है, ठीक ये आ गया। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आ गया √2x प्लस 1/√2² = ये इधर जाएगा
तो ये हो गया बच्चों 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा और ये आएगा -4, ऐसे आ गया। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस थर्टी टू अपॉन 8, और बच्चों यहाँ पे आएगा -31/8, और इधर आएगा √2x + 1/2√2 2 का स्क्वायर। अब यहीं पे रुक जाएंगे बच्चों। देखिए यहां पर है चीज स्क्वायर, हम किसी भी टर्म का चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो हमारा पॉजिटिव ही आता है हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने -2 का जो है स्क्वायर किया तो 4 आएगा, और 2 का किया तो भी 4 आएगा। किसी का स्क्वायर करेंगे वो निगेटिव कभी नहीं आता, इधर देखिएगा। और यहां पर बच्चों ये कुछ भी है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिखिए दिस इज नॉट पॉसिबल, सो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, दिस इक्वेशन। अब चाहे देखिए इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में यहां पर लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते तो। अब बच्चों ये लास्ट में आया तो ये एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहां पे जो होगा वो लिखेंगे नो रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ही हो गया, अब इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा यहां पे आकर के खत्म हो गया। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बच्चों अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए हम देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि बच्चों इस चैनल पर आपको जो है CBSE, ठीक है, NCERT की जो है 9th, 10th, 11th, 12th की मैथ्स की जो बुक है आपकी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो आप देख सकते हैं विद कंसेप्ट, बात नंबर वन। दूसरी बात बच्चों इसी के साथ 9th, 10th, 11th, 12th में एक RD शर्मा जी की बड़ी प्यारी सी बुक है वो चलती है, वो भी आपको मिलेगा। और ये RD शर्मा जी की बुक CBSE और ICSE दोनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके साथ ही बच्चों 11th एंड 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, 11th एंड 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसका भी सॉल्यूशन जो है अवेलेबल है इसी चैनल पर। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो वो आप देख सकते हैं। मेरे से बच्चे अभी कह रहे हैं कि सर जो है 9th और 10th की भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो भी डाल दूं, लेकिन ये आपका अवेलेबल है। और बच्चों ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है बच्चों ये इसमें IIT एंड नीट के भी बच्चे जो है वो प्रिपेरेशन कर सकते हैं, जो करना चाहे आपको पूरा फुल कंसेप्ट मिलेगा एक एक पॉइंट के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम जो है करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है बच्चों। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, क्या रिलेशनशिप है वो मैं बताऊं आपको। क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में देख लीजिएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारा क्वेश्चन वही है, देखिए मैंने अभी इसको जो है इरेज भी नहीं किया, जो क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वही क्वेश्चन है बच्चे, उसके लिखे हुए आंसर भी मैंने जो है लिखे नहीं है, यही आंसर है। लेकिन इसको हमें दूसरे मेथड से आप सॉल्व करना है, और वो बच्चों है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करके बताया था, उसमें क्या था एक्स जो आ रहा था वो था -b + -b² - 4ac√2a, ये था बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसी क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले के बेस पे बच्चों हमको जो है इसका इसका और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए पहला वाला करते हैं, तो देखिए बच्चों क्या है पहला क्वेश्चन, 2x² - 7x + 3 = 0। यहां पर देखिए a की वैल्यू है 2,
बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है बच्चों 3। इस फॉर्मूले में रखेंगे बच्चों हम जब, तो एक्स बराबर माइनस बी तो -7 प्लस -b² यानी कि माइनस और -4ac, a है 2 और c है 3। इसका अंडर रूट ऐसे कर दिया, डिवाइडेड बाई बच्चों देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × 2 क्या आ रहा है देखते हैं। ये बच्चों क्या 7 प्लस माइनस ये है बच्चों 49 हो जाएगा 7² और -24 ये आएगा अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए बच्चों क्या होगा 7 प्लस माइनस ये हो गया 25 और डिवाइडेड बाई 4 एक्स की वैल्यू आई। तो बच्चों देखिए क्या 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो देखिए क्या हो गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी एक बार लिखेंगे 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 और क्या होगा 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। एक्स की दो वैल्यू आ रही है बच्चों और देखिए यही यहां लिखी हुई थी, ठीक है। तो हम मेथड चाहे कोई भी अप्लाई करें हमारा जो है रिजल्ट सेम आएगा, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और देखते हैं कि वो हमारा कैसे आएगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट देखिए हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x-4 = 0। यहां पर देखिए एबीसी लिखेंगे तो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास +1 और सी की वैल्यू है -4, ठीक है। तो देखिए यहां पे इस फार्मूले में हम रख रहे हैं तो एक्स बराबर -b की वैल्यू क्या है 1 प्लस -b² यानी 1² -4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू हो गई बच्चों -4। ऐसे हो गया, इसको हमने किया अंडर रूट और बच्चों ये आ गया डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू है 2, ऐसे आ गया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 32 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया x, ये बच्चों आएगा -1 प्लस माइनस ये आ गया 33 डिवाइडेड बाई 4 x की वैल्यू। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है -1 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा -1 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है, और यही सेम रिजल्ट जो है पिछले मेथड से आया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो देखते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट किस तरीके से होगा। थर्ड पार्ट में थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन है 4x² प्लस 4√3x, ठीक है, प्लस 3 = 0। बच्चों एबीसी नोट करेंगे तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4√3 और सी की वैल्यू 3, ऐसे है, ठीक है। इस फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b तो -4√3, ठीक है, प्लस माइनस b² की वैल्यू होगी 4√3² -4 × 4 × 3, ऐसे हो गया, उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4, a की वैल्यू है 4 × 4, ऐसे हो गया। ये क्या होता है, ये हो गया -4√3 प्लस माइनस ये देखिए 16 × 3 = 48 हो जाएगा ये, और इधर हो गया 16 × 3 = 48 ये भी 48 हो गया, ये ऐसे हो गया डिवाइडेड बाई ये आ गया बच्चों 4, ठीक है, 4 × 4 ना होकर के होगा 2 × 4। तो बच्चों यहां पे आएगा 2 × 4, देखिए कट जाएगा तो हमारे पास ये आ रहा है -√3/2 × 4, ये गया कट। तो बच्चों यहाँ x की जो वैल्यू आ रही है वो एक आ रही √3/2। अब चूंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसमें वैल्यू 2 होती है x की, तो ये रिपीट हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू भी आएगी -√3/2। बच्चों देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आंसर देखिए जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आया था उससे भी आया है और जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया था उससे भी आया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब बच्चों चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा लास्ट सेक्शन बच्चों क्या है। लास्ट सेक्शन में क्या है, ये हमारा है फोर्थ इस तरीके से, और ये है 2x² + x + 4 = 0। तो देखिए क्या है, a = 2, b = 1 और c = 4, इस तरीके से हो गया। बच्चों एबीसी की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x = -b यानी -1 +-b² यानी कि 1² -4 × 2 × और ये 4 आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, एबीसी की वैल्यू रखना है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई बच्चों नीचे आ रहा है 2 × a की वैल्यू है 2। तो देखिए क्या आया, -1 + -1 - ठीक है 16 × 2 = 32 ऐसे आ रहा है, डिवाइडेड बाई 4x, तो x की वैल्यू आ रही है -1 + -1 = 31 / 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होता है, -31 अंडर रूट से आया है, क्या है -31 अंडर रूट में। और बच्चों जब कभी भी अंडर रूट में हमारी निगेटिव वैल्यू होती है तो बच्चों बोलते हैं इसको इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है इमेजिनरी वैल्यू। मतलब क्या होता है, निगेटिव ऑफ अंडर रूट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये बच्चों होता है हमारा निगेटिव। अब यहां पे निगेटिव आ रहा है यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होती है बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ये आ गया बच्चों इस तरीके से। तो ये देखिए यहां पर नो रूट एग्जिस्ट बच्चों, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था, खाली उसमें मेथड अलग अलग थे, वो मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, और वो बच्चों आज के वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, एक साथ कराएंगे तो 2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों जो बाकी क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में मिलेंगे इस एक्सरसाइज के। तो देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक ये है एक ये है, और हमको जो है इसमें रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, फर्स्ट ये है सेकंड ये है। तो चलिए पहले बच्चों पहला वाला करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये वाला, ये देखिए क्या है, x - 1/x = 3, और कंडीशन दे रखिए x ≠ 0, क्योंकि x यदि 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ऐसे। अब बच्चों इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²-1/x = 3, और ये हो जाएगा x²-1 = 3x, और बच्चों ये हो जाएगा x²-3x - 1 = 0। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो चैप्टर है तो उसी मेथड से करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों, हमने लिखा x² माइनस का माइनस लिखा, 2 × यहाँ पे लिखा x, और बच्चों यहाँ क्या आएगा वो देखते हैं। तो बच्चों ऊपर वाला है 3x और नीचे है बच्चों हमारे पास 2x, ये वाला x कटा, ये आ गया 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, +3/2 का स्क्वायर - 3/2 का स्क्वायर - 1 = 0, ये बच्चों इस तरीके से हो गया। तो अब बच्चों देखिए यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के ये ऐसे, ये हम लिख देंगे इसको x - 3/2 का होल स्क्वायर - ये आ जाएगा 9/4 - 1 = 0। तो बच्चों आ जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर = 9/4 + 1, ठीक है, तो आ गया 13/4, और आ जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम इसका निकालेंगे अंडर रूट। तो जब अंडर रूट निकालेंगे इसका, तो ये हम लिखेंगे x - 3/2 = +-√13/2, ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, x - 3/2 एक बार हम लेंगे +√13/2, तो बच्चों देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, ये जाएगा x = - था ये प्लस हो जाएगा, प्लस
3√13/2 ऐसे आ गया, ठीक है। और बच्चों दोबारा आएगा बच्चों x-3/2 = -√13/2, तो x की जो दूसरी वैल्यू आ गई बच्चों वह गया 3-√13/2। तो बच्चों एक वैल्यू इसकी ये होगी और दूसरी वैल्यू बच्चों यहाँ पे इस तरीके से इसकी ये निकलेगी और यही इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होता है, ठीक। सेकंड पार्ट भी सेम है, बस उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो हमारी ज्यादा है, ठीक। तो बच्चे चलिए देखिए क्या हुआ सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है 1/(x+4 - 1/(x-7) = 11/30 ऐसे है, ठीक है। अब बच्चे पहले तो हम इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदले, तो देखिए क्या होगा कि इसको हम यहां लिखते हैं x+4 और x-7, ये एलसीएम हो गया बच्चों। इधर आएगा x-7 और -x+4 ऐसे हो जाएगा बराबर 11/30 आया, ठीक है। इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा x-7 - x-4 / इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा x2, ठीक है, +4x-7x - 28 = 11/30। देखिए x से x कट गया और ये आएगा -11/(x²-3x - 28), ठीक है, = 11/30। ये गया कट, ये गया कट, -1 है। तो देखिए क्या होगा, ये आएगा -30 = x²-3x - 28। ये देखिए इससे आ गया, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा बच्चों x²-3x+2 = 0, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बच्चों देखिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए कैसे होगा। तो देखिए x²-3x+2 = 0, ये हो गया x²-2, ठीक है, (x). और बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पे लिखेंगे 3x/2x, 3x ऊपर वाला डिवाइडेड बाय ये x से कट गया तो आ गया 3/2। तो बच्चों हम यहां पे 3/2 ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3/2 - 3/2 + 2 = 0 ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा x-3/2 = अभी ना लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, -9/4 + 2 = 0, और ये हो जाएगा x-3/2 = 9/4 - 2 = 0। देख लीजिए इसको इस तरीके से, हाँ। और देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा x-3/2 = 9-8/4, यानी हो जाएगा 1/4, ठीक। ये देखिए क्या होगा, x-3/2 = 1/4, यानी कि x-3/2 = ±1/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, x-3/2 = 1/2 और x-3/2 = -1/2 ऐसे लेंगे। तो बच्चों इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा x = 1/2 + 3/2, तो x की वैल्यू यहां से आएगी 2। और बच्चों जब इसको करेंगे x = -1/2 + 3/2, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 1। तो बच्चों x की वैल्यू जो आ रही हमारी वो आ रही है 1 और 2, ठीक है बच्चों। ये दो वैल्यू आएंगी, इसको आप नोट कर लीजिए, यही होगा इसका आंसर। आप ये पूरा नोट कर लीजिए, बहुत ही संभल के करना है इन क्वेश्चंस में। मेथड तो आपको आना चाहिए, बस एक चीज और होती है इन क्वेश्चंस में कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हल्का सा भी आपने कैजुअली किया तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। अभी इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं,
बच्चों मैं इस वीडियो को यही रोक रहा हूं, ठीक है, और इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में, ठीक है। अगर मैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आपको देखने में होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।